वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। आज क्लास रे आम डिस्कशन करवा किसी सिलेक्टेड सोशल स्टडीज क्वेश्चन जहाँकि आप मानकर एसएसबी टीजीटी एग्जाम पाई मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स एथरे आम डिस्कशन करवा एसएसबी पीजीटी प्रीवियस ईयर रो 30टा क्वेश्चन आउ किसी क्वेश्चन रिविजन करवा 20टा क्वेश्चन रही टोटल आमर 50 क्वेश्चन रही। तो फ्रेंड्स ये भिडियो आप अपकमिंग एसएसबी टीजीटी सेवक सेविका ओएभीएस बीएड ओटीटी आरआई एआरआई अंगनवाड़ी सुपरभाइजर समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो आम फास्ट डिस्कशन करवा 30टा क्वेश्चन जहाँकि आम एसएसबी द्वारा आयोजित होता पीजीटी एग्जाम आम तो टीजीटी फास्ट टाइम करू हम आम 7 तारीख रु आरंभ हम। तो एसएसबी पीजीटी बहुत थर कर तो पीजीटी एग्जाम आसो किसी सोशल स्टडीज रु क्वेश्चन नहींक आसी 30टा ता सहित आम किसी प्रीवियस क्वेश्चन आमर जो किसी आम पूर्व आम क्लास करते से क्वेश्चन आम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कसन करवा आप 50 रु के मार्क रखुं कमेंट बक्स में निहाती भाव जनईपरेंगे। तो यहसबू क्वेश्चन आम प्रथम 30टा क्वेश्चन रोच एसएसबी पीजीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन रही हू कॉइन्ड द वर्ड हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को किए वर्डटा किए दे तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ एटा किए अमृत सेन राजकृष्णा ना भिके आर बी राव ना पी आर ब्रह्मानंद। तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वार्ड को किए देखते राजकृष्णा प्रोफेसर राजकृष्णा बा इकोनोमिस्ट राजकृष्णा ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार प्लानिंग कमिशन वाज स्क्रैप्ड इन द ईयर। प्लानिंग कमिशन केबे स्क्रैप हो गला माने पूरा भंगार हो गला भांगी देले बंद करदे क्लोज करदे तो के 2014 क्लोज कले 2015 आम कौन है ना प्लानिंग कमिशन रिप्लेस कला किए ना नीति आयोग आसला 2015 आसला तो स्क्रैप है प्लानिंग कमिशन 2014। तापर पचार व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल सहित आमर को आर्टिकलटा संपर्कित अटे जीएसटी काउंसिल सहित आमर आर्टिकल 279A। तो यह सब क्वेश्चन पीजीटी आसी तो आप भावंतु आप आसो सहज आसो किसी टेंशन ना के वरीड हेनी आप प्रिपेरेसन पर फोकस करेंगे और आराम से क्राक करेंगे जमार टेंशन ने आम हार्ड क्वेश्चन आसमी किसी ना जो 30टा क्वेश्चन डिस्कसन करवा सब पीजीटी एग्जाम आसी एसएसबी तो आप देखिए एसएसबी कंडक्ट करुच्छे तो आप टीजीटी तो आपन टी हाल्का रोक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आर्टिकल 78 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू। आर्टिकल 78 आम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान को कौन रेफर कर कौन वर्णना करमर ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर ड्यूटी उपरे मेंशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो इज लोकेटेड एट व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेस। इंडिया एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौ जगार अच्छी एक्टिव वोल्केनो कौट अच्छी ना बैरन आइलैंड ऑप्शन नंबर बी हम करेक्ट आंसर बैरन आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट ए पार्ट ऑफ एलाइड पावर इन द वर्ल्ड वार टू। से कहते वर्ल्ड वार टू समय रे किए गोटे आमर एलाइड पावर रे सामिल नथिला किए नथिला फ्रांस थिला पोलैंड थिला यूके थिला किंतु जापान एक्सिस पावर थिला एक्सिस पावर रे थिला जापान इटाली जर्मनी तो किए नथिला ना आमर जापान नथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाई कोडा बडे ऑब्स्टेकल नहीं कोडे बाधक नहीं से पचारी छि हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लो रेट ऑफ कैपिटल इनफॉर्मेशन पॉवर्टी करप्शन पॉवर्टी लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ए तीन टा जाक आम इकोनॉमिक डेवलपमेंट रो ऑब्स्टेकल अटे नुहे से पचार तो हाई रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन ऑब्स्टेकल टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज हैंग्ड। से कहते 1857 विद्रोह कौ नेता आमर कौन कर फाँसी दि जाता झुलाई दि जाता से कौच हैंगिंग करा क्या सी होती तांतिया टोपे। ये क्वेश्चन आम एसएसबी पीजीटी रे पचार जमार टेंशन वरीड हेनी आप प्रिपेरेसन फोकस करूँ सिलेबस अनुजाई प्रिपेरेसन पर फोकस करूँ तांतिया टोपे को 1857 आम रिवोल्ट हैंगिंग करा फांसी दिया जाता
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रेसीडेड ओवर द सुरज सेसिन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1907 देखो ये क्वेश्चन आप एग्जाम एस एस बी क्वेश्चन तो सुरज सेसिन आमर 1907 इंडियन नेशनल कांग्रेस किए तार प्रेसीडेट थे पचार 1907 सुरज सेसिन इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रेसीडेट थे किए से होती रास बिहारी घोष किए रास बिहारी घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर डिड द कांग्रेस इन इट्स स्पेशल सेसन अडॉप्ट नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम से कौच केबे कांग्रेस तार स्पेशल सेसन रे अडॉप्ट करथिला नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को अडॉप्ट करथिला केबे नागपुर सेसन 1920 नागपुर सेसन रे अडॉप्ट करथिला नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को ऑप्शन नंबर बी होची हमर सठिक उत्तर नागपुर हम से बी सी आम अल्टरनेट हो टेंशन नहीं नागपुर सेसन 1920 आमर कांग्रेस अडॉप्ट करथिला नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एर्न्स मैक्सिमम रेवेन्यू फ्रॉम व्हिच आर द फॉलोइंग सोर्सेस से कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आमर रोजगार करुच्छे मैक्सिमम रेवेन्यू कौ सोर्स रु आमर मैक्सिमम रेवेन्यू आमर कलेक्ट करुच्छे कॉर्पोरेट टैक्स रु कॉर्पोरेट टैक्स ऑप्शन नंबर बी होच करेक्ट आंसर। एक्चुअली ये आप सी जगार अच्छी कितना आप मानक कौन ना यहाँ एक्चुअली एस एस बी पिजिटर क्वेश्चन क्लीयरली भिजुआल ना पेपर से यू निजे मुझे प्रिंट ये करी तो ये ऊपर तल हो जाए ऑप्शन ऑप्शन रे टेंशन नहीं आपको कहूँ जो शुणे कॉर्पोरेट टैक्स हूँ सब हाइस्ट आम मैक्सिमम रेवेन्यू आम सेयर हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कॉर्पोरेट टैक्स ऑप्शन किसी टेंशन नहीं। व्हेन डिड महात्मा गांधी विजिट ओडिशा फॉर फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन मतलब आसाला पीजीटी एग्जाम एस एस बी तो महात्मा गांधी केबे ओडिशा आसते ना महात्मा गांधी आम आसते केबे ना 1921 आसते 1921 1946 भितर 8 थर आम ओडिशा को आसते तो फर्स्ट टाइम आसते केबे 1921 आसते। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग कैन टेक ए फाइनल डिसीजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर आमर जो विधानसभा रही स्टेट लेजिस्लेटर रही तार मेंबर को जन को एमएल को जब आम डिस्क्वालिफिकेशन करवा फाइनल डिसीजन किए नौ किए नहीं पारे फाइनल डिसीजन गवर्नर नहीं पार किंतु इलेक्शन कमिशन रो एडवाइस नबो इलेक्शन कमिशन को पचारिक ही गवर्नर ताकू डिस्क्वालीफाई कर तो गवर्नर ही फाइनल डिसीजन नबो किंतु इलेक्शन कमिशन को परामर्श ने पड़ो तो ऑप्शन बी होज करेक्ट आंसर गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर से कौन पावर आम जो सुप्रीम कोर्ट रही आम डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फॉल्स अंडर क्या अंडर होता कौ जुरिसडिक्शन आसर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंडर व्हिच मुगल एम्परर देर वाज बिगनिंग ऑफ लैंड सेटलमेंट इन ओडिशा से कौन आम ओडिशा रे लैंड सेटलमेंट को मुगल एम्परर आरंभ करते किए आरंभ करते आम मुगल एम्परर कही तो शाहजहां शाहजहां स्टार्ट करते गोटे बालेश्वर जिलूर ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेसिडुअल माउंटेन रेसिडुअल माउंटेन क्या कहा जाए से पचार रेसिडुअल माउंटेन कौटा से पचार करेक्ट आंसर हो आरावली रेंज आरावली हूँ रेसिडुअल माउंटेन। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर आंबेडकर सोशल डेमोक्रेसी मीन्स आमर डॉक्टर बी आर आंबेडकर अनुजाई सोशल डेमोक्रेसी माने कौन से पचार सोशल डेमोक्रेसी मीन्स कौन लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी ऑप्शन नंबर बी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट व्हिच वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी आलियंस एकदम इजी क्वेश्चन ये पचारे एस एस बी पिजिटी एग्जाम तो सब्सिडरी आलियांस को ग्रहण कर प्रथम भारतीय राज्य किए पचार फर्स्ट किए निजाम ऑफ हैदराबाद हैदराबाद फर्स्ट स्टेट जी कि सब्सिडरी आलियांस को ग्रहण करता ऑप्शन नंबर ए होज करेक्ट आंसर हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द कनसेप्ट अफ सोशियाल इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम व्हिच रिवॉल्यूशन से कौन कौ रिवल्यूशन रु आम सोशियाल इकोनोमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कनसेप्ट को आमर अडॉप्ट करा जाएगी कौटू
ଆମର ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ରୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ରଷିଆନ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ। କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଶୁଣି ସେ ପଚାରିଛି। ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସରେ ଲିବର୍ଟି ଯାଉଛି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯାଉଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ୍ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଏଇଟା ଆମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ନୁହେଁ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ଏଇଟା ନୁହେଁ, ରାଇଟ୍ ଟୁ ପ୍ରପର୍ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ଡିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁସ୍ତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇଟା, ଲେଖିଥିଲେ ଆର୍ ସି ଦତ୍। କିଏ ଆର୍ ସି ଦତ୍? ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ SSB PGT ଆସିଥିଲା। ଆର୍ ସି ଦତ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର ଦ ଇକୋନୋମିକ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଜାର୍ ଅଫ୍ ରଷିଆ ଏଟ୍ ଦ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମର OSTT ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲା, OSTT ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଟା ଆସିସାରିଛି, ଆଉ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆମର SSB PGT ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା, SSB PGT ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ତ ସେ କହୁଛି, କିଏ ଜାର୍ ଆମର ରଷିଆର ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସମୟରେ, ଅକ୍ଟୋବର ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସମୟରେ ରଷିଆର ଜାର୍ କିଏ ଥିଲେ, ରୁଷିଆର ଜାର୍ ଥିଲେ କିଏ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି Nicholas II। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, Nicholas II। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଦ ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ୍ ପାକ୍ଟ ୱାଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହୁଛି, ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ୍ ପାକ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ୍ ପାକ୍ଟ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ, ନା ସିଭିଲ୍ ଡିସ୍ଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ସିଭିଲ୍ ଡିସ୍ଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କ'ଣ କଲେ ନା, ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ଇରବିନ୍ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାକ୍ଟ ସାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗାନ୍ଧୀ ଇରବିନ୍ ପାକ୍ଟ। କେବେ? 1931 ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆଣ୍ଡ ଲର୍ଡ ଇରବିନ୍ ଆମର ଥିଲେ ଭାଇସରୟ। କିଏ ଥିଲେ ନା, ଲର୍ଡ ଇରବିନ୍ ଆଉ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1931 ଗୋଟେ ପାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ସିଭିଲ୍ ଡିସ୍ଓବିଡ଼ିଏନ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ସେଡ୍ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଜ୍ ଏ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ସେ କହୁଛି ଯେ, କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ହେଭି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସିନୋନିମ୍ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଯେ ସିନୋନିମ୍ ଅଫ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନ୍ଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିଜ୍ ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍? ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଟେ? ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା, Article 19। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର Article 19 କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆମର ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଆମର ଅଛି, ତା ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି ଫ୍ରିଡମ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରେସ୍, ତା ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ତ Article 19 ହେବ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପ୍ଲେସେସ୍ ଡିଡ୍ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଇସ୍ୟୁଡ୍ ହିଜ୍ ଫେମସ୍ କଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ। ସେ କହୁଛି ଯେ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ କଲ୍ ତାଙ୍କର ଥିଲେ, ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ, କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଇକି, କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନା, ସେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଚଲୋ ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଦେଇକି ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସିଙ୍ଗାପୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଇଜ୍ ନେମ୍ଡ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଦ ଶହୀଦ ସ୍ୱରାଜ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡ? ତ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାଁକୁ ଶହୀଦ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱରାଜ ଆଇଲାଣ୍ଡ କିଏ ନାମିତ କରିଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ? ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, କାହିଁକିନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଆଇଲାଣ୍ଡର ଦାୟିତ୍ୱ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଜାପାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଥିଲା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ, ତ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ସେ ଆଇଲାଣ୍ଡର ନାଁକୁ ଶହୀଦ ଆଣ୍ଡ ସ୍ୱରାଜ ଆଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମି? ସେ କହୁଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିର କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ପ୍ରଥମ କିଏ ଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଥିଲେ ମୋହନ ସିଂ। ଫାଷ୍ଟ କମାଣ୍ଡର ଇନ୍ ଚିଫ୍ ହେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସିଂ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ କନ୍ସିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ପେ ଫର୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ୱାର୍କ ଫର୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍? କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ ଆମର ରହିଛି ଯେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ କାମ ପାଇଁ ସମାନ ପଇସା, ସିଏ ମହିଳା ହେଉ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ହେଉ, ସମାନ କାମ ସମାନ ପଇସା କେଉଁ ଆର୍ଟିକେଲ୍ରେ ମେନ୍ସନ୍ ରହିଛି? ଆର୍ଟିକେଲ୍ ଆମର 39, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ 39A। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର, Article 39। ଅପସନ୍ ବି ହେବ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वाज नॉट एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस तो से कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस रो एक्सट्रीमिस्ट लीडर किए नथिले आमर 1907 आप जानते सुरत सेसिन 1907 रे राज बिहारी घोष थिले आमर प्रेसिडेंट थिले सेइट ही आमर कौन है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस दुई भाग रे स्प्लिट होगा भाग होगा गोटे है आमर एक्सट्रीमिस्ट आ गोटे मॉडरेट आमर नरमपंथी चरमपंथी दुई भाग रहा से कौच एक्सट्रीमिस्ट लीडर आमर इंडियान नेशनल कांग्रेस किए नथिले से पचारि तो चार ऑप्शन देछि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक अरविंद घोष लाला लाजपत राय आउ आमर बाल बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल ए तीन जन सहित आम अरविंद घोष थे एम होती एक्सट्रीमिस्ट लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सट्रीमिस्ट लीडर अटे किंतु एओ ह्यूम ये एक्सट्रीमिस्ट नुह किए नुहे से पचार ऑप्शन नंबर डी हे करेक्ट आंसर एओ ह्यूम आमर आलान ऑक्टेवियन ह्यूम जिकि आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर मन रखिए पचारे हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस तो एओ ह्यूम आलान ऑक्टेवियन ह्यूम होती इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडर 1885 आम फाउंडेसन होता 1885 हु सेड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस इज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट एम किए कहते इंडियन नेशनल कांग्रेस हूँ गोटे बेगिंग इंस्टीट्यूट किए कहते आमर अरविंद घोष कहीं से एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे ना से किसी भी कहते तो से कहते इंडियन नेशनल कांग्रेस गोटे बेगिंग इंस्टीट्यूट बोली से कहते ऑप्शन ए डी हो करेक्ट आंसर अरविंद घोष कही नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रिपेयर द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को किए प्रिपेयर करते से पचार तो करेक्ट आंसर हूँ आमर किए जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर जवाहरलाल नेहरू नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमंग द फॉलोइंग सेड दैट प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम किए कहते जे प्रीएम्बल आम भारतीय संविधान से गोटे की नोट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किए कहते यहाँ कहते एर्नेस्ट वार्कर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर एर्नेस्ट वार्कर नेक्स्ट क्वेश्चन रही फाइनेंशियल इमरजेंसी इज मेंशन्ड इन व्हिच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आमर को आर्टिकल रे मेंशन रही आम तीन टा रही आम इमरजेंसी फाइनेंशियल आमर रही आमर नेशनल अच्छी आउ स्टेट इमरजेंसी अच्छी तो आम फाइनेंशियल इमरजेंसी रही आर्टिकल 360 नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन कल्टीवेशन से कहते आम कॉटन चाषपाई कौ सॉइलटा आम बेस्ट अटे सुटेबल अटे आम ब्लैक सॉइल आम बेस्ट हूँ कॉटन कल्टीवेशन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ब्लैक सॉइल एक्चुअली टिके प्रॉब्लम होची एप्लीकेशन दुई दिन है से आपको टिके क्लास रे टिके मोर डेरी होची तो आमर नेक्स्ट क्लास रही नेक्स्ट क्लास रही मोर कौन ना नेक्स्ट ओडिया ग्रामर क्लास मुझे संध्या करने प्लानिंग करी तो देखा आपाई 9:10 सुधा मुझे नहीं आसवि तो से कहे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वेयर बॉम्बेड बाय अमेरिका इन द सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार रे द्वितीय विश्वयुद्ध आम कौ दुटा सहर उपरे अमेरिका बोम पकईला पुराण बोमा पकईला कौटी आमर हिरोशिमा एंड नागासाकी ए दुटा जापान रो हिरोशिमा एंड नागासाकी सहर उपरे पुराण बोमा पकईला ताद्वारा आमर जापान सरेन्डर कर सेकेंड विश्वयुद्ध तो हिरोशिमा एंड नागासाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द इंटरनेशनल डेडलाइन पासेस थ्रू डैश इंटरनेशनल डेडलाइनटा आमर क्या पास होमर बेरिंग स्ट्रेट दे कि पास ऑप्शन नंबर ए हम करेक्ट आंसर बेरिंग स्ट्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर इज डंकन पास लोकेटेड डंकन पास जेटा आम सी एच पचार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डंकन पासटा आम कौटी अच्छे से पचार डंकन पास अच्छे आम कौटी ना साउथ आंडामान एंड लिटिल आंडामान मझे रही डंकन पास ऑप्शन नंबर ए हूँ आम सठिक उत्तर
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द इंडियन गवर्नमेंट्स फास्ट ल ऑफिसर से कहे किए इंडियन गवर्नमेंट रो प्रथम ल ऑफिसर पचार फास्ट ल ऑफिसर हो इंडियन गवर्नमेंट रो ये होची अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन मतलब ऑलरेडी सीएचटी आमर प्रीवियस क्वेश्चन रे आमर आसीथिला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कहा जाए इंडिया रो फास्ट ल ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आर्टिकल 36-51 इन पार्ट फोर्थ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ से कहे आम आर्टिकल 36 रु आर्टिकल 51 पर्यंत पार्ट फोर रे जो मेंशन रही आमर क्या सहित संपर्कित सेटा आमर डीपीएसपी सहित संपर्कित डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी सहित संपर्कित ऑप्शन नंबर ए हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिया इज पेड फ्रॉम से कहे इंडिया जो प्रेसिडेंट रही राष्ट्रपति अच्छा सैलरी कौटू से कौटू पाँच आम भारत राष्ट्रपति द्वारा मिलूँ कौटू ना कंसोलिडेटेड फंड रु कंसोलिडेटेड फंड रु से दरमा पाँच ऑप्शन नंबर डी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन 1942 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल सेंट से कहे 1942 रे ब्रिटिश रा प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कौन पठे को मिशन पठे से पठे क्रिप्स मिशन पठे ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर क्रिप्स मिशन पठे इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन रही फिरोज शाह मेहता केटी तलंग एंड बद्रुद्दीन त्यागजी फॉर्म्ड व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इन 1885 ये तीन जन 1885 रे कौन बने थे बॉम्बे रे बने थे कौन बने थे ना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बने थे ऑप्शन बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा राज्यसभा चेयरमैन किए से पचार राज्यसभा चेयरमैन किए ना सी होंगे आम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जे कि वर्तमान अच्छा जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट होंगे राज्यसभा चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया से कहते इंडिया रे आमर हाईएस्ट परसेंटेज वर्किंग पॉपुलेशन को सेक्टर रे अच्छे को सेक्टर अच्छे आम प्राइमरी सेक्टर ही अच्छे प्राइमरी सेक्टर रे आम हाईएस्ट परसेंट लोक अधिका लोक आम प्राइमरी सेक्टर रे काम करते ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद वाज साइंड इन 1765 बिटवीन तो आम 1765 रे आम बक्सर युद्ध होला से अलाहाबाद ट्रेटी गोटे आमर साइन करागला से क्या क्या मध्य है बैटल ऑफ बक्सर पर अलाहाबाद ट्रेटी है क्या मध्य अलाहाबाद ट्रेटी आम साइन करागला रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम टू मध्य गोटे अलाहाबाद ट्रेटी साइन करा ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटेड एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड अंडर NREGA फ्रॉम द ईयर 2005 2005 मसीह MNREGA मेन माने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी आक्ट अनुजाई आमर केते दिन गोटे लोक को आमर एम्प्लॉयमेंट दिया जिवो बा काम दिया जिवो केते दिन ना 100 डेज बाध्यतामूलक 100 दिन दिजो बोली आमर एटा आक्ट पास होता 100 दिन दिजो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर 100 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस से कहे INC इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रथम सेशन र प्रेसिडेंट किए थे प्रथम सेशन कौटी होता ना आम 1885 फास्ट सेशन आम मुंबई होता आर फास्ट सेशन प्रेसिडेंट होती डब्ल्यू सी बनर्जी उमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन नंबर ए हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही अकॉर्डिंग टू ए क्वेश्चन रिपीट है नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु प्रेसिडेंट ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931 से कहे 1931 आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो कराची सेशन रे किए प्रेसिडेंट थे कराची सेशन रो प्रेसिडेंट थे किए से होती सर्दार वल्लभ भाई पटेल ऑप्शन नंबर डी हम करेक्ट आंसर सर्दार वल्लभ भाई पटेल। आज लास्ट क्वेश्चन देखा लास्ट क्वेश्चन रही सुभाष चंद्र बोस बिकम द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन से कहे कौ वर्ष सुभाष चंद्र बोस को
आमर इंडियन नेशनल आर्मी रो सुप्रीम कमांडर बनागला। इंडियन नेशनल आर्मी रो सुप्रीम कमांडर बनिले केबे ना 1943 रे बनिले। ऑप्शन नंबर सी होज करेक्ट आंसर 1943। तो फ्रेंड्स एथला आपन मानकर टोटल 50 क्वेश्चन आमे जहां डिस्कशन करले आपन माने आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखी चंती कमेंट बॉक्स रे निहात भाबे जणेबे। जदी वीडियो भल लागुची ताहले निहात गोटाए लाइक करिवे ता सहित अधिकारु अधिक मात्रा रे कृपया संगे साथी मानकु निहात भाबे शेयर करिवे। आ जो माने हम चैनल नुवा छन चैनल निहात सब्सक्राइब करंतु एवं ता पकर दिबा ऑल बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आपन माने समस्त वीडियो रो नोटिफिकेशन पाई परिवे। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय जगन्नाथ।